हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं ना अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ और मैं जाऊँगी नाश्ता बनाने। घर बहुत बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ हो रहा है, बहुत। मैं कल कोई कोई व्लॉग तो नहीं बना पाई थी, कल थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं थी, हरासी हो रही थी बहुत ज़्यादा ना, तो कुछ नहीं करा था, इसलिए मैंने कोई काम भी नहीं करा, तो सारा घर ऐसा ही हो रहा है बस। तो चलिए काम पर लगते हैं, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और लेट सोई थी रात को ना, तो फिर लेट उठी हूँ, तो 9 का टाइम बज रहा है। तो नाश्ता वगैरह बनाते हैं। और ये जो है, ये मेरी शादी की फ़ोटोज़ है, आपको दिख रही, मैंने बताई थी। और ये है हमारे हनीमून की, हम मनाली गए थे, तब की फोटो है। और ये जो है मैंने ऐसे लगा रखी है, ये आरना की फोटोज लगा रखी है। छोटे छोटे फ्रेम ना समझ नहीं आते, अच्छे से मिलते ही नहीं है मुझे छोटे छोटे फ्रेम, तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने इसको इस पे लगा दिए। और ऊपर शीशा है, ये साइड टेबल है ना, ऊपर शीशा है। चलिए मैं आपको ना अपनी घर की हालत दिखा देती हूँ कि कैसी हो रही है। ये देखिए, ये अभी सो के उठे हैं, तो यहाँ बेड ऐसा हो रहा है, यहाँ कपड़े ऐसे हो रहे हैं। अभी कल नवरात्रि शुरू है, तो फिर घर मतलब सारे थोड़े बहुत जो कपड़े हैं ना, तो वो धोंगे। ये ऐसा पड़ा हुआ है हॉल की, हॉल में भी ये ऐसा है, इस वाले रूम में भी। ये देखिए सब कपड़े हैं, बहुत सारा काम है बस। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। हाँ बेटा, जवे बन गए हैं मेरे, तो मैंने आज नाश्ते में नमकीन जवे बनाए हैं, आपके साथ भी किसी और दिन शेयर करूँगी। चाय भी बन चुकी है, तो फटाफट नाश्ता कर लेते हैं, भूख बहुत तेज लग रही है, कि लेट ज़्यादा हो गया है ना इसलिए। और हाँ, आज मैंने मशीन लगाई है, तो आज बालकनी में नहीं खड़ा, क्योंकि बालकनी में धूप इतनी तेज आ रही है ना कि नहीं खड़ा उधर, मतलब खड़ी नहीं हो रही मैं उधर। हाँ बेटा, चाय बन रही है, भू पी लिया ठीक है, चलो जाओ, मम्मी लेकर आ रही थी। तो मैंने कपड़े लगाए मैंने बाथरूम में, तो वहाँ धोऊंगी, ज़्यादा नहीं है कपड़े, डोर मेट है, और जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं वो हैं, और एक्स्ट्रा जो कपड़े होंगे हम तीनों के वो कपड़े हैं बस। मंदिर की सफाई भी करनी है। चलिए मैं बना लेती हूँ फटाफट से, कर लेती हूँ नाश्ता करके, फिर मैं आपको थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैं किचन में आ गई थी किचन की सफाई करने के लिए, और मेरे सारे बर्तन भी क्लीन हो गए हैं, तो यहाँ पे टाइल सिंक वगैरह ये सब मैं साफ़ कर रही हूँ। और मेरे कपड़े भी वॉश हो रहे थे, तो कपड़े ज़्यादा नहीं थे, कपड़े थोड़े से थे, तो वो 2 बार में धुल गए सारे कपड़े। तो यहाँ मेरे किचन भी ना अच्छे से मैंने क्लीन कर लिए हैं, और किचन काउंटर भी मेरा पूरा साफ़ कर दिया है मैंने। तो बस ये जो सारे जो कपड़े हैं इनको भी मैं मतलब धोने के लिए ले जाऊंगी, मशीन में डाल दूंगी इनको भी, तो इन सबको तो मैं लास्ट में ही डालती हूँ, क्योंकि ये थोड़े गंदे हो जाते हैं कि हम सफाई वगैरह करते हैं। तो बस यहाँ सिलेंडर वगैरह साफ़ करके तो मैं किचन में, ओ सॉरी, मैं बाथरूम में जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए,
तो वैसे तो मेरे एक बार के कपड़े धुल चुके थे, तो ये सेकेंड बार के हैं। तो बस यहाँ मैं कपड़े निकाल रही हूँ, ड्राई मतलब ड्राई करूँगी इन सबको। तो अब मैं क्या कर रही हूँ आजकल से कि कपड़े में मतलब कपड़े वॉश करते हो तो उसमें थोड़ा सा मैं डेटॉल भी डाल देती हूँ, तो कपड़े अच्छे से और साफ़ हो जाते हैं। तो बस और करना भी चाहिए क्योंकि मैं आजकल ना डिटॉल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, उसकी मुझे खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैं यहाँ मेरे कपड़े ही वॉश हो गए हैं और इसके बाद पूरे घर में साफ़ सफाई करने के बाद झाड़ू पोछा करूँगी। और मैं आजकल अब पोछा लगा रही हूँ ना, तो मैं उसमें भी डिटॉल डाल रही हूँ क्योंकि आरना भी खेलती है। हम सब भी मतलब हम जब नीचे जाते हैं सोसाइटी में, हमारे मार्केट है तो वहाँ जाते हैं, आना जाना लगा ही रहता है उधर नीचे। तो आते हैं तो जम्स वगैरह आ रहे हैं हमारे साथ, हमें नहीं पता, फिर भी हम आते हैं अपने केयरफुली से जाते हैं। तो बस इसलिए थोड़ा सा मैं डेटॉल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ आजकल। और यहाँ मैंने बेडशीट चेंज नहीं करी, पहले मैंने सोचा कि बेडशीट चेंज कर देती हूँ मैं, फिर मुझे याद आया कि नहीं मैं अभी नहीं कर रही, मैं नवरात्रि वाले दिन ही मैं दूसरी बेडशीट चेंज कर दूँगी, तो इसलिए मैंने ये नहीं उतारी थी। और वैसे इतनी गंदी होती भी नहीं है मेरी बेडशीट, एक हफ्ता बहुत आराम से चल जाती है क्योंकि हम बेडरूम में इतना बैठते नहीं हैं, तो ज़्यादातर हम हॉल में ही रहते हैं, सिर्फ यहाँ पे हम सोने ही आते हैं और कुछ नहीं, इसलिए मेरा ये रूम बहुत ज़्यादा साफ़ रहता है। और यहाँ फिर जो हम ओढ़ते हैं उसकी भी तह लगा रही हूँ, मैंने इसको भी नहीं वॉश किया क्योंकि मौसम इतना एकदम से ख़राब हो गया था, तो मैंने नहीं वॉश करा इन सबको। तो मैं दोबारा मशीन लगाऊंगी बीच में, तब मैं इन सबको वॉश करूंगी एक बार। और आजकल तो मैं कपड़ों में भी डेटॉल डाल के धो रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ सफाई का ध्यान दे रही हूँ मैं, हर चीज़ का, अपने ऊपर भी बच्चों के ऊपर भी। तो बस यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगाने के बाद मैं पोंछा लगाऊंगी, उसके बाद मैं फिर आपसे बात करती हूँ। पूरा घर का काम ख़त्म करने के बाद मैं नहा कर आ गई थी, और नहा के आने के बाद फिर मैंने क्रीम वगैरह लगाई है फेस पे, लिप गार्ड लगाई है। तो बस यहाँ पे मैं बाल काट रही हूँ, और मैं नहाने के बाद मैं ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं करती क्योंकि मुझे शौक नहीं है ना इन सब चीज़ों का, तो मैं नहीं करती, मैं सिंपल ही रहती हूँ, शुरू से ही मैं सिंपल रहती आई हूँ, तो इसलिए मुझे
इन सब चीज़ों का शौक नहीं है। हाँ कभी मैं जाती हूँ शादी वादी में तब मैं कर लेती हूँ, वैसे घर में मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रहती हूँ। तो बस मेरा यहाँ बाल बाल काट के चोटी मैंने क्लेचर ऐसे लगा लिया था और फिर मैं रेडी हो गई थी। टाइम हो रहा है 12 का राउंड हो गया, 12 बज चुके हैं और एक काम मेरा दोबारा बढ़ गया। मैं आपको दिखाती हूँ यार मैंने क्या करा है हॉल को। हॉल का इतना उसको देख के इतना दिमाग खराब हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना। बच्चा है किसके साथ खेलेगा, वो बाहर भी निकालना सही नहीं है, बच्चे को ले जाना भी सही नहीं है, हम खुद ही नहीं जा रहे तो बच्चों को क्या लेकर जाएंगे। क्या बताऊँ आपको, खुद दिखाती हूँ, देखिए आपने उसने क्या करा है। ये मैं आपको खुद दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये इसने सारे सोफे की गद्दियाँ निकाल ली है, मेरा काम और बढ़ गया है। अपने ड्रेस दिखा रही है, गर्मी आ गई ना तो मैंने पहनाना शुरू कर दिया। ये देखिए ये है मेरे कमरे, मतलब हॉल, जो बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तो देख लेना आपने कैसा हाल कर रखा है हॉल का। अब कम से कम मुझे इसमें आधा घंटा लगेगा सफाई करने में दोबारा। ये आना की किटकैट देख लो, आना चिज्जी खा रही है। मंदिर में साफ करना है और कल नवरात्र शुरू हो रहे हैं कल से, तो फिर मुझे उसका भी सामान लेकर आना है, पूजा का क्या क्या लेकर आना है लिस्ट बनानी है मेरे को, फिर लेकर आती हूँ। लंच में आज मैंने सिंपल ही बनाया था, दाल ही बनाई है, कुछ ज्यादा नहीं बनाया। दाल रोटी खाएंगे सिंपल, हम जितना हेल्दी खाएंगे जितना अपने आप की अंदर की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे उतना हमारे लिए बहुत सही है। अगर इम्यूनिटी कम हुई ना तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके नींबू पानी पिए, संतरा खाइए, संतरा इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी से जल्दी बढ़ेगी और आप हर चीज़ की बीमारियों का लड़ने की ताकत मिलेगी आपको। तो बस अब मैंने आप बताया था कि मैं लेट उठी थी, मेरे हस्बैंड जल्दी उठ गए थे तो उन्होंने दूध लिया है, और तो दूध देखिए किस में लिया है, कुकर में दूध लिया है उन्होंने, तो मैंने इसी में उबाल दिया क्योंकि दूध पहले कभी रखा हुआ था, फिर मैं किस में रखती, जब वो उसको किसी और में रख करके फिर मैं उसको करूँगी इस वाले दूध को। तो लंच वगैरह करके ना फिर मैं जाती हूँ मार्केट, सामान लेकर आती हूँ। क्या है पता नहीं, मिल भी रहा है नहीं मिल रहा है, देख के तो आना पड़ेगा। हाँ तो चलिए मैं फटाफट से कर लेती हूँ। अगर हाँ मैं अपना वीडियो कंटिन्यू कर पाई तो जरूर करूँगी, नहीं कर पाई तो फिर मैं अभी बोल देती हूँ आपको बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट तो नहीं, मतलब मैं अभी बोल देती हूँ आपको, ठीक है। पर आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या लेकर आई थी मंदिर, वो सामान पूजा का। बेटा पड़े गिर जाओगी तू तो। चलिए मैं फटाफट से ना रोटियां बना देती हूँ, रोटियां खा गई हैं, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो मैं ड्राइंग रूम को भी साफ़ कर रही हूँ जो आरना ने इतना फैला दिया था। मैं नहा कर आई और देखा कि ये मेरे हॉल में भूचाल आकर रखा हुआ था, तो फिर मैंने इसको एक साइड तरफ बिठाया और मैं फिर हॉल की सफाई कर रही हूँ दोबारा से। इसका यही रहता है, पूरे सोफे की गद्दियाँ निकाल देती है और उसको सीढ़ियाँ बना के खेलती रहती है। तो बस वही मैं चीज़ साफ़ कर रही थी, यहाँ पर मेरा ये काम और फैल गया था। अब नहाकर कोई आता है साफ़ सुथरा हो गया फिर उसको वही काम करना पड़ जाता है दोबारा से, तो कितना वो लगता है। मन तो करता है कि दोबारा नहा लूँ पर नहीं, मौसम भी चेंज हो गया था तो फिर ठंडे पानी से नहाती हूँ मैं आजकल इसलिए।
तो बस मैं फटाफट से इस वाले हॉल की भी सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह भी लगा ली थी मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके, और उसको मैंने एक तरफ बिठा दिया था। और मैंने उसको फिर बोल दिया था कि यार ना अब नहीं करना बेटा, अब मेरी हिम्मत नहीं है बार बार करने की। तो बस वो बैठ गई थी आराम से अपना फ़ोन लेके, और मैं यहाँ पे फिर झाड़ू वगड़ू लगा के पूरे में, तो उसको भी मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि इस चिप्स वगैरह खा रही थी तो थोड़े बहुत फैल गए थे। तो मैंने सोचा चल एक बार वो झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि ये सोफ़े के गद्दे वद्दे अब पड़ी हुई थी ना, तो इसलिए। तो बस फिर फटाफट झाड़ू लगाने के बाद इसको भी मैं काम को ख़त्म कर देती हूँ, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो मेरा ये वाला भी साफ हो गया है, ड्राइंग रूम मेरा साफ हो गया है। किसी ने बहुत गंद मचा रखा था, कम से कम आधा घंटा लगा होगा इसे ठीक करने में, सारा सेट करने में। ये देखिए ये हो गया, यहाँ का मौसम ख़राब हो गया है, बारिश भी आ चुकी है। तो मैं ना कपड़े उतार लेती हूँ, अंदर ले जाती हूँ स्टैंड, तो बारिश आ रही है। तो कपड़े तो मैंने इधर ही रख दिए, हॉल में रख दिए कपड़े, पंखा चल रहा है तो सूख जाएंगे कपड़े। और बारिश इतनी तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ बारिश हो चुकी है। हाँ बेटा, तो ना मैं, हाँ बेटा, हाँ तो ना मैं करती हूँ ना थोड़ी देर में बात करती हूँ। पौना एक हो गया, खाना वगैरह मेरा बन चुका है, बस अब खाना रह गया है। तो मैं अब खाना वाना खा के फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। और मैं सोचती थी सामान लेकर आऊँ मंदिर का, तो लाइट आती है, हाँ तो मंदिर का सामान लेने सोच रही थी, तो बारिश इतनी तेज़ आ गई, अब देखते हैं कब बंद होती है, तब मैं लेकर आती हूँ मंदिर का जितने भी सामान है वो सब लिस्ट वगैरह बना लिए मैंने। तो कोई आया है तो मैं मिलती आपसे थोड़ी सी देर में, मिलती। तो मैं ना यहाँ पे पूजा का सामान लेकर आ गई थी, और मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। तो यहाँ मेरे लौंग लेकर आई थी, फूल है, दो फूल है, रुई है, घी है, और जो भी पूजा का सामान होता है, चुन्नी, नारियल, तो बस ये सब मैं लेके आई थी। जितना मिला था मैं उतना ही ले आई थी, क्योंकि बाहर वायरस हो फैल रहा है, तो इसलिए। और मैं आपको इसलिए भी नहीं दिखा पाई थी क्योंकि हमें नहीं पता कि किस किस के निशान हाथ लग रहे हैं। तो बस मैंने लेकर आई, और परात में निकाला और साइड में रख दिया। तो ये तो बस मैं ना अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा अगर छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।